हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे सोयाबीन की उन्नत खेती, बेड विधि से सोयाबीन की फार्मिंग कर सकते हैं। क्योंकि बेड विधि से दोस्तों की परंपरागत तरीके की तुलना पर यदि आप बेड विधि से खेती करते हैं तो कम बीज की आवश्यकता पड़ती है, पैदावार लगभग दो गुना ज़्यादा मिलता है। तो कैसे बेड विधि से खेती करें, खाद और उर्वरक की संतुलित मात्रा और सोयाबीन की फसल पर खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों कौन सी खरपतवार नाशक काफ़ी अच्छा काम करेगी, प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड, पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड के साथ साथ डिटेल में। क्योंकि आधुनिक तरीके से यदि आप सोयाबीन की खेती करते हैं, नई विधि से यदि आप खेती करते हैं तो कितना आपको एक एकड़ में प्रॉफिट होने वाला है, कितना प्रोडक्शन होने वाला है, लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ दोस्तों बात करेंगे बेस्ट वैरायटी जिनका उपज उत्पादन काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों से किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि नई विधि से, आधुनिक तरीके से सोयाबीन की खेती कैसे करें बेड बना करके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं टाइमिंग। हर एक फसल के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समय। तो वैसे तो सोयाबीन की खेती गर्मी और बरसात पर, रबी सीजन पर और खरीफ सीजन पर की जाती है। एमपी पर रबी सीजन पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा पर सोयाबीन की खेती की जाती है, लेकिन खरीफ सीजन पर प्रमुख फसलों में से एक है। और इसके लिए जो उचित टाइमिंग है 5 जून से लेकर 25 जून के मध्य आपको बुआई कर देनी चाहिए। अब जो सोयाबीन की खेती है, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर एमपी हो, क्योंकि मध्य प्रदेश पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती की जाती है, तो जैसे ही मानसून का आगमन होता है सोयाबीन की बुआई जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। तो समय तो सबको पता है। अब बात करते हैं वैरायटी, यानी जो किस्में हैं, जो अच्छा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी हैं, आइए दोस्तों बात करते हैं। तो वैरायटी समय के हिसाब से, समय अवधि के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से और अर्ली और लेट सोइंग वाली किस्में भी अलग अलग हैं। कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो जल्दी तैयार हो जाती हैं, तो कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिन का लगभग जो टाइम पीरियड है वो 120-125 दिन के आसपास का समय लगता है। तो वहीं कुछ वैरायटी 90-95 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों ऐसी वैरायटी के बारे में बतलाएंगे जिनका उत्पादन अन्य वैरायटी की तुलना पर काफ़ी अच्छा है। और इन किस्मों में सबसे अच्छी खासियत ये है कि ज़्यादा फुटाव आते हैं, ज़्यादा फलियाँ लगती हैं और फलियों पर दाने भी काफ़ी अच्छे से भराव लेते हैं। तो नंबर एक KDS-726 के नाम से आती है, फूले संगम के नाम से वैरायटी आती है, KDS-992। इसके अलावा 1135 के नाम से आती है, NRC-138 के नाम से आती है। और इसके अलावा नंबर 5 पर जो किस्म है RVSM-2011-35 वैरायटी आती है और ब्लैक बोल्ड जैसी किस्म को आप लगा सकते हैं। वहीं KDS की एक और वैरायटी है 344 जैसी किस्मों को दोस्तों आप लगा सकती हैं। पिछली साल ब्लैक बोल्ड की जो परफॉर्मेंस है, उत्पादन है, काफ़ी अच्छा रहा है और KDS-726 को भी आप लगा सकते हैं। RBSM जो 2011-35 वैरायटी है, न्यू वैरायटी, और इसका भी उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला है। तो किसान भाइयों, ये थी वेस्ट किस्में सोयाबीन की, सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक थी। अब बात करते हैं बेड तैयार। तो किस प्रकार आपको बेड तैयार कराना चाहिए, आइए समझते हैं। बेड मेकर या फिर बेड राइजर्स जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार आपको बेड तैयार कराना चाहिए। बेड की चौड़ाई दोस्तों 3 फीट रखनी है, बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट और बेड की ऊँचाई लगभग 1 फीट रखनी चाहिए। कुछ इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि बेड जो सेंटर है, सेंटर से सेंटर की दूरी लगभग 3.5 से 4 फीट के आसपास रहनी चाहिए। जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। और वहीं भूमि के ऊपर बात करें, खेत तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो जो भूमि है दोमट उपजाऊ भूमि, जिसका मृदा का पीएच वैल्यू 6 से 7.5 तक चल जाता है, काफ़ी बढ़िया माना जाता है, ठीक तरीके से आपको प्लॉविंग कराना चाहिए। तोता हल से 1 से 2 ठीक तरीके से प्लॉविंग कराना है और डिस्क हैरो की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना चाहिए। तो इस हिसाब से खेत के चारों साइड साफ सफाई बनाए रखिए। तारबंदी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि नीलगाय, जंगली जानवर परेशान करते हैं। तो
इसके अलावा जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे खेत में, जितने व्यवस्थित तरीके से आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करते हुए यदि आधुनिक तरीके से आप भी सोयाबीन की खेती करेंगे, तो जो लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही है वो कहीं ना कहीं यदि आप आधुनिक तरीके से सोयाबीन की खेती करते हैं दोस्तों, तो काफ़ी आपको फायदा होगा। जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, उसको आप काफ़ी बढ़ा सकते हैं, वो आपके हाथों पर है। तो कैसे आप सोयाबीन की आधुनिक तरीके से खेती कर सकते हैं, इस वीडियो पर बने रहिए। तो इस प्रकार खेत की आपको तैयारी करा लेना चाहिए। ड्रिप एरिगेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप बेड विधि से खेती करते हैं तो 16 mm आप ड्रिप को बिछवा सकते हैं और एक बेड पर डबल लाइन पर आप ड्रिप बिछवा सकते हैं। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। जब आप बुआई कर रहे हों, जब आप सोइंग कर रहे हों, तो उस समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों? वो इसलिए कि जो बेसल डोज है दोस्तों, यदि प्रोडक्शन बढ़ाना है, जड़ों का विकास अच्छा हो, वनस्पतिक बढ़वार और फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव लाना हो या फिर बढ़वार काफ़ी अच्छे हो, ज़्यादा दानों का भराव हो, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की बात हो, तो प्रॉपर यदि आप पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो यकीनन आपको बतला दें कि पैदावार बढ़ेगी। और क्या आपको पता है कि सोयाबीन की क्रॉप पर, क्योंकि सोयाबीन एक तिलहनी फसल है और दोस्तों कहीं ना कहीं जितनी ज़रूरत नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की होती है, उतनी ही आवश्यकता सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर की भी होती है। तो जब आप सोइंग कर रहे हो तो प्रॉपर पोषक तत्वों की पूर्ति आपको ज़रूर करना चाहिए। तो तीन कॉम्बिनेशन में से जो आपको फेवरेट लगे, बढ़िया लगे, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बेसल डोज पर 3 ट्रॉली गोबर की खाद लेनी है। इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली जो खाद आती है वो आपको लेना 100 किलोग्राम यानी 2 बैग SSP, और MOP आपको लेना 20 किलोग्राम। इस कॉम्बिनेशन को एक एकड़ में, पूरे एक एकड़ की दर से जानकारी शेयर कर रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को एक एकड़ में इस्तेमाल करना है। या फिर NPK 12-32-16-50 किलोग्राम गोबर की खाद 3 ट्रॉली, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, या फिर आप चाहें तो DAP 30 किलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट 10 किलो और गोबर की खाद 3 ट्रॉली। इन तीनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन को दोस्तों यदि आप सोयाबीन की जब बुआई करते हैं प्रयोग करेंगे, तीनों कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि आगे चल के फिर फर्टिगेशन शेड्यूल ठीक तरीके से नहीं चला पाते हैं, तो बेसल डोज मजबूत आपको रखना पड़ेगा। ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है, बढ़िया पैदावार निकल आए, तो इसके लिए बेसल डोज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बेसल डोज तो हम दे रहे हैं, लेकिन दीमक की समस्या हो जाती है या फिर वाइट ग्रब सफ़ेद कीड़ा की समस्या हो जाती है, सफ़ेद लट की समस्या हो जाती है, टर्माइट की समस्या हो जाती है, तो इसके लिए दानेदार इंसेक्टिसाइड जैसे रिजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम एक एकड़ में जब बुआई आप कर रहे हों, बेड तैयार कर रहे हों, उस समय पूरे एक एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो यदि आप बेड विधि से खेती करते हैं तो थोड़ा सा प्लांट टू प्लांट यानी सीड्स टू सीड्स डिस्टेंस बढ़ जाता है, और परंपरागत तरीके की तुलना पर जो सीड्स की क्वांटिटी है वो आपको लगने वाली है 15 किलोग्राम से लेकर 20 किलोग्राम यदि आप बेड विधि से खेती करते हैं तो। लगभग ये मान लीजिए 60-70% सीड्स आपको कम लगने वाला है, तो मात्र 15 से 20 किलोग्राम सीड्स आपको लगने वाला है एक एकड़ पर। सोइंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं यानी बुआई। तो सोयाबीन की जब आप खेती करते हैं तो इसकी मेथड अलग अलग हैं, जैसे BVF विधि से आप सोइंग कर सकते हैं, इसके अलावा रिज फेरो मेथड से भी आप सोइंग कर सकते हैं। लेकिन आप बेड विधि से जब खेती कर रहे हैं तो मशीनों से भी आप कर सकते हैं या फिर मजदूरों की मदद से दोनों बेड के साइड में आपको बुआई करनी है। दोनों बेड के ऊपर नहीं, दोनों बेड के जो टॉप से साइड्स होती हैं वहाँ पर आप दो दो बीजों की बुआई आपको करनी चाहिए। अब बुआई तो आपको करनी चाहिए, लेकिन कितनी दूरी पर करनी चाहिए, तो दोस्तों आइए बात करते हैं प्लांट डिस्टेंस की, कितनी दूरी पर हमको सोइंग करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, सीड्स की क्वांटिटी कम लगेगी और पौधा ज़्यादा फैलाव लेगा, तो बढ़वार भी काफ़ी अच्छी लेने वाला है। तो कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए यानी कितनी दूरी पर हमको सोइंग करनी चाहिए, तो आपको बीज से बीज की दूरी आपको रखनी है 9 इंच, 8 से 9 इंच रखिए, और लाइन से लाइन की दूरी आपको 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और गहराई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए।
एवं एक बेड पर डबल लाइन पर आपको लगाना है। जी हाँ दोस्तों, दोनों बेड के कॉर्नर पर ही आपको सोइंग करनी चाहिए, जो कि आप वीडियो पर फोटो पर देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार दोस्तों आपको डिस्टेंस रखना चाहिए। अब बात करते हैं बीज उपचार। तो बीज उपचार दोस्तों आप FIR पद्धति से करें। आप FIR क्या होता है? F यानी फंगीसाइड, I यानी इंसेक्टिसाइड और R यानी राइजोबियम कल्चर से आप बीज उपचार करेंगे। क्यों बीज उपचार क्यों करें? बीज उपचार करने से फ़ायदा दोस्तों सुनिए और समझिए। देखिए, आगे चल के डंपिंग वॉक की समस्या आती है। कभी कभी सोइंग तो हमने कर दी पलेवा करके, लेकिन कहीं ना कहीं जड़ों से सूखने की समस्या आती, डंपिंग वॉक की समस्या आती, फंगस लगता है सीड्स पर। तो इसके लिए बीज उपचार करेंगे तो 0 दिन से लेकर 40 दिन तक जो फंगस लगते हैं उनसे प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। तो बीज उपचार करने से आगे चल के जो स्टेम फ्लाई आती है, तना वाली इल्ली आती है और शुंडी आती है, तो इनका प्रकोप भी ना के बराबर होता है। तो बीज उपचार करने से सबसे बड़ी बात है कि अंकुरण और जर्मिनेशन काफ़ी स्वस्थ होता है। तो अंकुरण और जर्मिनेशन अच्छा हो तो इसके लिए बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी FIR पद्धति से। सबसे पहले दोस्तों आपको F यानी फंगीसाइड से बीज उपचार करना है, और फंगीसाइड पर सबसे बेस्ट जैसे BASF कंपनी की झेलोरा फंगीसाइड आती है, 2 ml प्रति किलोग्राम बीजों को आपको उपचारित करना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आई यानी इंसेक्टिसाइड। तो UPL की जैसे रेनो इंसेक्टिसाइड आती है, जिसमें थर्मोथॉक्सोम है, 30% FS फॉर्म में आती है, 2.5 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार करना है। और उसके बाद दोस्तों आर यानी राइजोबियम कल्चर से आपको बीज उपचार करना है, या फिर राइजोबियम कल्चर ना हो तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट है, या फिर आप दोस्तों चाहें तो ट्राइकोडर्मा से भी, यानी 2 ग्राम ट्राइकोडर्मा लीजिए और आपको प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करने के बाद आपको लगभग दोस्तों 40 से 50 मिनट तक छांव में सुखाना चाहिए। इससे काफ़ी फायदे होते हैं, सूखने की समस्या नहीं आती है और फंगस जनित जो रोग होते हैं, बीमारी होती हैं, उन पर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, स्वस्थ जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। जैसे ही आपने बीज उपचार कर दिया उसके बाद दोस्तों उसी दिन आपको सोइंग यानी बुआई कर देनी चाहिए। बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो सोयाबीन की फसल पर एक समस्या और है, खरपतवार की रोकथाम करना। तो कहीं ना कहीं जैसे मध्य प्रदेश पर या फिर महाराष्ट्र पर कुलपा की मदद से, मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई की जाती है, और भी कई इलाके हैं जहां पर कुलपा या फिर आधुनिक यंत्रों की मदद से खरपतवार को रिमूव किया जाता है। तो खरपतवार को तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ही, तो कैसे खरपतवार को आपको कंट्रोल करना है इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको समझाएंगे और आपको समझना आसानी से समझ में आ जाए। कौन सी खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए, प्री इमर्जेंट कौन सी खरपतवार नाशक होती है, पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी डिटेल में जानकारी आपको मिलने वाली है। तो यदि पॉसिबल हो तो निराई गुड़ाई करें, जहां तक मजदूर उपलब्ध हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि निराई गुड़ाई प्रॉपर आपको कराना चाहिए और खरपतवार ना स्प्रे करने से परहेज करना चाहिए। यदि खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं तो कहीं ना कहीं उत्पादन घटता है, फसल को झटकाता है, लेकिन मजदूर उपलब्ध नहीं हैं तो फिर खरपतवार नाशक रासायनिक के लिए स्प्रे आप कर सकते हैं। और खरपतवार नाशक 2 प्रकार की होती हैं, प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड और पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड। प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड वे हर्बिसाइड होती हैं जो खरपतवार अंकुरण से पहले, फसल जमाव से पहले, यानी जो बुआई के समय ही जो खरपतवार नाशक स्प्रे की जाती हैं उसे हम प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड कहते हैं। और जब हमारी फसल 15-20 दिन के आसपास की होती है या फिर खरपतवार 3-4-5 पत्ती के होते हैं तो उस समय पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड का स्प्रे किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड यानी बुआई की, और 72 घंटे के अंदर, हम तो कहते हैं जब आपने बुआई करी है उसी दिन आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर दीजिए प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड में। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रमुख रूप से प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड की अगर बात करें, आप जो यह खरपतवार नाशक दोस्तों देख रहे हैं इनमें से कोई भी एक खरपतवार नाशक का यदि आप स्प्रे करेंगे तो खरपतवार का जमाव भी नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे किसान भाइयों को जानकारी बतला दें कि जो पिछले साल 2-3 साल का जो डेटा है तो प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड के उतने खास, उतने अच्छे रिजल्ट या फिर किसानों को संतुष्टमय जो रिजल्ट हैं वो देखने के लिए नहीं मिल पाए हैं। तो फिर भी संतुष्टि के लिए आप चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसे खर्च करने की सोयाबीन की क्रॉप पर आवश्यकता नहीं है। पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड के ऊपर दोस्तों
बात करते हैं तो सोयाबीन की फसल पर कई प्रकार के खरपतवार उगते हैं। जब हमारी सोयाबीन की फसल लगभग 25 से 30 दिन के आसपास की हो जाए या खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हों तो पहले आपको सिंचाई करनी है, उसके बाद पोस्ट एमरजेंट हर्बिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। अब कोई भी खरपतवार नाशक हर एक खरपतवार को कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो इसके लिए हर एक खरपतवार कंट्रोल हो जाए तो इसके लिए एक खरपतवार नाशक नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन का ही आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो हमारी सोयाबीन की फसल पर कौन कौन से खरपतवार दिखते हैं, जैसे गाजर घास है, छोटी दूधी है, बड़ी दूधी है, बोखना है, इसके अलावा घोड़ा घास है, बोखनी काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, सांभा है, जंगली घास है, दूब घास है, हजारदाना है, मोथा घास भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, और चौलाई है, मकोई जैसे चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अब जो चौड़ी पत्ती खरपतवार होते हैं वो ईजिली कंट्रोल तो हो जाते हैं, लेकिन जो सकड़ी पत्ती खरपतवार होते हैं वो आसानी से कंट्रोल नहीं होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको कॉम्बिनेशन स्प्रे करना पड़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से 4-5 कॉम्बिनेशन के बारे में बतलाने वाले हैं जो कि खरपतवार को आसानी से कंट्रोल कर लेगा। तो इसके लिए जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, इमोजी थापर 15% और क्विजल फॉप इथाइल 7.5% जो कि इसी फॉर्म में आती है, यह चौड़ी और सकड़ी पत्ती। अब जो इमोजी थापर है दोस्तों, यह चौड़ी पत्ती को और जो क्विजल फॉप इथाइल है वो सकड़ी पत्ती खरपतवार को कंट्रोल करती है। इसको आपको 175 ml एक एकड़ में स्प्रे करना है। और दोस्तों जैसे धानुका की टोरनाडो के नाम से आती है, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों आपको मिक्स करना है क्लोर म्यूरान इथाइल, जो 25% WP की जो डिब्बी आती पाउच आती है, वो 5 ग्राम से 10 ग्राम इसी कॉम्बिनेशन पर आपको लेकर के 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देना है सिलिकॉन चिप को मिलाकर। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की फ्यूजी फ्लेक्सी आती है, जिसमें फेमोसा फैन 11.1% और फ्यूजीली फॉप पी बूटाइल जो कि 13.4% SL फॉर्म में आती है। और इसके साथ दोस्तों आपको क्लोर म्यूरान इथाइल 25% WP वाली 5 ग्राम और आपको सिजेंटा कंपनी की फ्यूजी फ्लेक्सी आपको लेना है 340 ml, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे इमोजी थापर 10% SL आती है, यदि दोस्तों केवल आपके सोयाबीन की फसल पर चौड़ी पत्ती खरपतवार हैं तो आपको इमोजी थापर 10% SL जैसे BASF कंपनी की परसूट के नाम से आती है, अदामा इंडिया कंपनी की बीट ब्लॉक के नाम से आती है, तो चौड़ी पत्ती के लिए इस खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन चौड़ी पत्ती के साथ साथ बोखना बोखनी भी है तो क्लोर म्यूरान इथाइल को आप ले सकते हैं 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम। यदि दोस्तों सोयाबीन की फसल पर केवल सकड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो इसके लिए बिप सुपर है, अदामा इंडिया कंपनी की एजल है, टर्गा सुपर में से कोई एक खरपतवार नाशक को आप ले सकते हैं। यानी सकड़ी पत्ती में दोस्तों यदि मोथा घास, बोखना, कजरू, हजारदाना, सफ़ेद मुर्ग और गाजर घास है तो आप क्विजल फॉप इथाइल का स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ डिब्बी यानी पाउच को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सिंचाई यानी इरिगेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो सोयाबीन वैसे तो असिंचित दशा पर खेती की जाती है, असिंचित जो भूमि होती है, लेकिन ज़्यादातर मानसून पर ही किसान निर्भर रहते हैं। लेकिन सिंचाई के साधन अच्छे हैं और उपजाऊ भूमि है तो आधुनिक तरीके से ड्रिप लगाइए दोस्तों और बेड विधि से खेती करिए, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो सोयाबीन की जो क्रॉप है प्रमुख रूप से खरीफ सीजन पर उगाई जाती है, लेकिन बरसात ना हो रही हो, फ्लावरिंग स्टेज पर क्रॉप हो, तो ऐसी कंडीशन पर दोस्तों आपको फ्लड एरीगेशन से 15-15 दिनों के अंतराल पर स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा ड्रिप से आप 2-2 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें यदि बरसात ना हो रही हो तो। तो दोस्तों यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे भी सिंचाई करेंगे तो बेहतरीन तरीके से वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रख पाएंगे। लेकिन यदि बरसात हो रही हो तो फिर सिंचाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और थोड़ा सा कम ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सोयाबीन की फसल जब फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो उस समय यदि जड़ों के पास पानी की कमी रह जाती है तो फिर जो फलियों पर दानों का ठीक तरीके से भराव नहीं हो पाता है। अब अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, स्प्रे शेड्यूल जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अनिवार्य है। तो स्प्रे शेड्यूल देखिए, समझते हैं हम बारीकी से कीट प्रबंधन के ऊपर कि कौन कौन से कीट आते हैं, उनका इलाज उपाय के बारे में बतलाएंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से कीट आते हैं। प्रमुख रूप से सफ़ेद मक्खी, एफिड, जैसिड, माइट्स और सफ़ेद लट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, वाइट ग्रब, इसके अलावा सेमी लूपर्स है, तम्बाकू इल्ली, स्टेम फ्लाई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, सुंडी है, रिंग कटर है, चने की इल्ली
भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। मिलीबाग, फली छेदक, गर्डल बीटल के साथ साथ दोस्तों बीमारी पर फंगस पर रस्ट है, डाउनी मिल्ड्यूड है, पाउडरी मिल्ड्यूड, लीप स्पॉट ब्लाइट, रूट रॉट और एलो मोजक वायरस जैसी समस्या देखने के लिए मिलती हैं। तो इसके लिए यदि आप प्रॉपर दोस्तों स्प्रे करेंगे तो फिर काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपकी फसल चाल लेगी, बढ़वा लेगी और रोग मुक्त कीट मुक्त रहने वाली है। सोयाबीन की फसल पर दोस्तों फर्स्ट स्प्रे के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए यदि आप आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हो या फिर परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हो, दोनों विधियों में यह जो स्प्रे शेड्यूल है, खाद शेड्यूल है, बेसल डोज है, वो संपूर्ण जानकारी बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाली है। लेकिन आप आधुनिक तरीके से खेती करेंगे तो पैदावार बढ़ने वाली है, बाकी जो स्प्रे हैं सेम टू सेम हैं। तो फर्स्ट स्प्रे के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। सोयाबीन की फसल पर एक ऐसे स्प्रे जो कि सोयाबीन की फसल को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, काफ़ी बढ़िया बढ़वार देंगे। तो जो फर्स्ट स्प्रे है 30 से 35 दिन के आसपास की फसल होती है तो थायोफेनेट मिथाइल जैसे रोको फंगीसाइड आती है 40 ग्राम लेना है और एमामेक्टिन वेंजुवाइट जो कि 5% SG फॉर्म में आती है 10 ग्राम लेना है और आपको सफ़ेद मक्खी के लिए हल्का रेंज का इंसेक्टिसाइड एसिटामिप्रे 20% SP 10 ग्राम और आइसा एग्रो की रैपिड ग्रो के नाम से आती है 30 ml लीजिए। रैपिड ग्रो से दोस्तों काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलेगी, पौधा चाल नहीं पकड़ पा रहा है और जो सोयाबीन की जो फसल है पीलापन की समस्या है तो रैपिड ग्रो को 30 ml इन चारों को मिक्स करिए और जो डोज बतला रहे हैं वो बतला रहा है 15 लीटर की दर से। सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। सोयाबीन की फसल पर दोस्तों सेकंड स्प्रे के ऊपर बात करते हैं तो 55 दिन से लेकर 60 दिन के मध्य सेकंड स्प्रे करना चाहिए। इसके लिए टेबू प्लस सल्फर जैसे स्वाधीन फंगीसाइड आती है, एक्सेल की स्वाधीन फंगीसाइड आपको इंडिया कंपनी की फैले थोड़ा इंसेक्टिसाइड दोस्तों आपको लेना है, यानी इंडोक्सा कार्ब 4.5% और नूबालोरॉन का कॉम्बिनेशन है, नूबालोरॉन 5.25% है जो कि SC फॉर्म में आती है, आपको 30 ml लेना है, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देना है। अब अदामा इंडिया कंपनी की फैलेथोरा ही क्यों या फिर इंडोक्सा कार्ब और नूबालोरॉन का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है यही क्यों, क्योंकि जब 50-55 दिन के आसपास की सोयाबीन की फसल होती है तो फलियों पर इल्ली का प्रकोप बढ़ जाता है, फंगस का प्रकोप बढ़ जाता है, तो इसके लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगा। इसके अलावा थर्ड स्प्रे के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। 65 दिन के आसपास की फसल होती है तो फिर इल्ली का प्रकोप बढ़ जाता है। इल्ली पर कौन सी इल्ली, फ्रूट बोरर यानी फल छेदक, फली छेदक का प्रकोप बढ़ने से पैदावार घट सकती है। तो क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 10% और लैम्डा साइलोथ्रिन 5% जो ZC फॉर्म में आती है या सिजेंटा कंपनी की एम्पलीगो 10 ml लेना है और इसके साथ एक फंगीसाइड। अब बेस्ट सी फंगीसाइड आप ले लीजिए BASF कंपनी की कैब्रियोटॉप फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। तो सोयाबीन की फसल पर दोस्तों भले आपको देखने पर यह बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन यदि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इससे ज़्यादा ही किसान भाई स्प्रे कर देते हैं। हमने केवल 3 स्प्रे बताए हैं। अब यह जो 3 स्प्रे हैं पूरे आपको यूट्यूब में नहीं मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यह जो जानकारी है, यह जो स्प्रे हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कि हमारे किसान भाइयों को प्रैक्टिकली जब स्प्रे करें तो रिजल्ट भी मिलना चाहिए, पता चला लागत भी लग गई और रिजल्ट भी नहीं मिले। तो इसके लिए दोस्तों यह जो कॉम्बिनेशन है बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, सस्ते हैं, हल्के रेंज के हैं और बेहतरीन आपको रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। तो इन कॉम्बिनेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि तीनों के 3 स्प्रे आप कर दीजिए, बल्कि यदि फली छेदक का, रिंग कटर का या फिर जो भी हरी इल्ली छोटी बड़ी इल्ली परेशान करती हैं, फली छेदक परेशान कर कीट का प्रकोप बढ़ता है तो फिर स्प्रे को आप फॉलो कर। अब बात करते हैं दोस्तों खाद का शेड्यूल। तो जो खाद शेड्यूल है, जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, केवल सोयाबीन की फसल पर एक खाद देने की आवश्यकता है। क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति राइजोबियम की गांठ है, यानी सोयाबीन की जो क्रॉप है नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं रहती है। यह जो पौधा है जड़ों के पास राइजोबियम की गांठें बन जाती हैं ताकि नाइट्रोजन की पूर्ति पौधा स्वयं से ही कर लेता है। नाइट्रोजन की पूर्ति हल्की फुल्की हम कर देते हैं जिससे पोषक तत्व की कहीं कमी ना हो जाए। तो इसके लिए केवल एक खाद देना जरूरी है जो फर्स्ट खाद है। 30 से 40 दिन के आसपास की फसल होती है तो सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, सल्फर 90% WDG फॉर्म वाली 5 किलोग्राम और सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम और यूरिया खाद लेना है दोस्तों, नाइट्रोजन आपको लेना है 20 किलोग्राम
इन तीनों चारों को मिक्स करना है। पहले निराई गुड़ाई करनी है, जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए, बेहतरीन लाभ देखने के लिए दोस्तों मिलने वाला है। तो ये था स्प्रे शेड्यूल, खाद शेड्यूल। बीच बीच में आप फसल के स्टिकी ट्रैप लगा दीजिए, पीला ट्रैप आता है, नीला स्टिकी ट्रैप आता है, एक एकड़ में 20 फीस लगा दीजिए, बहुत है। इसके अलावा दोस्तों लाइफ साइकिल के ऊपर बात करते हैं, तो 90 दिन से लेकर 120 दिन तक लग जाता है लाइफ साइकिल सोयाबीन की। किस्मों पर, वैरायटी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं। कुछ वैरायटी 90 दिन में तैयार हो जाती हैं, तो वहीं कुछ वैरायटी 120-125 दिन के आसपास का समय लग जाता है। प्रोडक्शन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यदि आप आधुनिक तरीके से बेड विधि से खेती करते हैं तो जो एक एकड़ में पैदावार है, क्योंकि परंपरागत तरीके की तुलना पर इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा है, एक एकड़ में आप 20 से 22 क्विंटल तक और इससे भी अधिक पैदावार आप निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं आप परंपरागत तरीके से खेती करते हैं तो 8-10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 14 क्विंटल ही निकल पाता है, लेकिन आधुनिक तरीके से बेड विधि से आप सोयाबीन की खेती करेंगे, जो कि आप फोटो पर इस प्रकार यदि आप खेती करेंगे तो पैदावार काफ़ी बढ़ने वाली है। तो इस हिसाब से आप खेती करें, बाज़ार भाव फ्लेक्सिबल रहता है, एक एवरेज समझ लीजिए 6,000 से 10,000 के मध्य प्रति क्विंटल का रेट देखने के लिए मिलता है। तो बाज़ार भाव पर कमेंट मत करें, क्योंकि बाज़ार भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यदि आप वैज्ञानिक तरीके से आधुनिक तरीके से खेती करते हैं तो एक एकड़ में लगभग 25,000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यदि 8,000 का रेट मिल जाता है, 22 क्विंटल पैदावार हो जाती है, तो 1,76,000 हमारा मुनाफा हुआ। लागत घटा देंगे दोस्तों 25,000, जो दोस्तों नेट प्रॉफिट है, जो शुद्ध आमदनी है, वो 1,51,000 रुपये के आसपास हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। यदि दोस्तों आप आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, स्टिकी ट्रैप लगाते हैं, और आपको बतला दें कि बेड विधि से आप खेती करते हैं और जितनी खाद की ज़रूरत है उतनी पूर्ति आप करते हैं, यदि हरी भरी फसल है तो ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा उर्वरक खाद देने की, स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, तो फसल का ऑब्जर्वेशन करें। यदि ठीक तरीके से फसल स्वस्थ है तो कोई टॉनिक स्प्रे मत करें, कोई रेगुलेटर का स्प्रे नहीं करना चाहिए, लेकिन लग रहा है केवल बढ़वार हमारी फसल ले रही है। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर, जब फल्ली की स्टेज पर होती है, तो घरडा कंपनी की चमत्कार 15 लीटर पानी में 15 से 20 ml की दर से आप स्प्रे करेंगे, तो फिर जो बढ़वार अनचाही अनवांटेड जो बढ़वार हो रही है उससे काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आप प्रॉपर देखभाल करें, प्रॉपर आपको कीटों की, क्योंकि स्टेम फ्लाई का प्रकोप निचली सतह पड़ता है, रिंग कटर का जो प्रकोप पत्तियों के नीचे साइड होता है, तो ऑब्जर्वेशन करते रहें, यदि प्रकोप बढ़ता है तो फिर उस हिसाब से आप कीटों का कंट्रोल कर सकते हैं। अब कीटों से याद आया कि यदि आप भी चाहते हैं दोस्तों कि कीट की पहचान करते नहीं आ रहे कि कौन से कीट पर क्या स्प्रे करें, तो इसके लिए हमने डेडिकेटेड A to Z कीटों का विज्ञान वीडियो बना रखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया सोयाबीन की सफल खेती, आधुनिक तरीके से आप खेती कैसे कर सकते हैं और बढ़िया पैदावार निकाल सकते हैं, बढ़िया तरीके से फसल को तैयार कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।